मशरूम खाना पसंद है तो आप भी एक बार ये मशरूम की बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करें। आप इस रेसिपी को एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं या फिर जब भी छोटी मोटी भूख हो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। काफी कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो एक बार बनाकर इसे जरूर ट्राई करें। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आप सभी का रेसिपी अड्डा बाय मेघा पर स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो चीजी गार्लिक मशरूम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये मशरूम का एक पैकेट लिया है जो कि वेट में लगभग 200 से 250 ग्राम के आसपास है। तो सारे मशरूम हम एक बड़े साइज के बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को इस तरह से मशरूम के ऊपर अच्छे से रब करेंगे ताकि मशरूम के ऊपर जितनी भी गंदगी लगी हुई है वो इस तरह से मशरूम को रगड़ने से साफ हो जाए। आप चाहें तो आटे की प्लेस पे नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मशरूम को आटे से अच्छे से रब करने के बाद अब हम इनमें पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 बार मशरूम को अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। तब तक वॉश करेंगे जब तक कि मशरूम में से साफ पानी नहीं दिखाई देने लगता। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मशरूम को एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारे मशरूम का ये जो डंठल वाला पार्ट है इसका आखिरी हिस्सा हम निकाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सारे मशरूम हम काट के तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून जितना हम बटर लेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बटर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे। हल्का सा ये मेल्ट हो जाए इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम। सारे मशरूम जो हमने तैयार करके रखे थे ऐड कर देंगे और मशरूम को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मशरूम को लो मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना सारा मॉइस्चर रिलीज करके वापस से ड्राई नहीं हो जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशरूम ने सारा मॉइस्चर रिलीज कर दिया है, काफी सारा पानी हो गया है इसमें। तो अब हम मशरूम को तब तक और पकाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशरूम पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद अब हम बटर ऐड करेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ज्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 हरी मिर्च बारीक काट के ऐड की है। हरी मिर्च और लहसुन को हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। तो हरी मिर्च और लहसुन काफी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें जो हमने मशरूम साइड में निकाल के रखे हैं इनको ऐड कर देंगे और मशरूम को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून ओरिगेनो स्पाइस मिक्स, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से और लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए पका लेंगे। इसके बाद ये जो सारे मशरूम हैं इनको हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और इसके बाद इसके ऊपर चीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई सा भी चीज यूज कर सकते हैं, आपके पास अगर चीज स्लाइस है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, चीज क्यूब है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो स्पाइस मिक्स और स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसको ढककर लो मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो चीज़ है ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और हमारी जो मशरूम की रेसिपी है चीज़ी गार्लिक मशरूम वो भी पूरी तरह से बन के तैयार है। अब आप इस रेसिपी को स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं या फिर रोटी पराठे पूरी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत इजी है, 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और अमेजिंग रेसिपीज के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।